पंचायतों के प्रोत्साहन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री फगन सिंह कुलत्से, राज्य मंत्री भारत सरकार, विभिन्न राज्यों से आए हुए श्री मुरारी गौतम जी, मंत्री बिहार पंचायती राज, यमुनाम खेमचंद सिंह जी मणिपुर से आए हुए हैं, रंजीत कुमार दास जी आसाम से आए हुए हैं, एराबेली दयाकर राव तेलंगाना से पधारे हुए हैं, श्री लाल रिन लियाना मिजोरम से आए हुए हैं, श्री सुशील कुमार जी। पंचायतों की मुख्य धुरी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मैं उत्तराखंड राज्य देवभूमि की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही उन सभी पंचायत प्रतिनिधिगणों को हार्दिक बधाई देता हूं जिनके द्वारा इस वर्ष थेमेटिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम पंचायतों को मजबूत करने एवं उनको सशक्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह से राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की विशेष भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें विकास की धुरी हैं। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण एवं स्थानीय चुनौतियों को यथोचित समाधान तलाशने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को सशक्त करना अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों की निधियों, कर्मियों एवं कार्यों, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज को पंचायत को वास्तविक अर्थों में हस्तांतरित करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। जहां तक राज्य में गरीबी उन्मूलन एवं उन्नत आजीविका तथा गाँव में समान लैंगिक विकास संबंधी थीम का प्रश्न है, मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि राज्य में पंचायतों के सहयोग से 56,200 महिलाएं समूह सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 4,22,000 महिलाएं जुड़ी हैं। वर्तमान में लगभग 47,000 महिलाएं लखपति दीदी हैं, जिनकी वार्षिक आमदनी 1,00,000 से अधिक है तथा वर्ष 2025 तक 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। करीब 1.5 लाख महिलाएं कृषि एवं सह संबंधी गतिविधियों के माध्यम से स्वयं की आजीविका समृद्ध करने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रही हैं। राज्य में स्थानीय एवं जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तथा स्वस्थ ग्राम थीम की प्राप्ति हेतु स्थानीय मोटे अनाज का प्रयोग कर नैनो पैकेजिंग इकाइयों के माध्यम से 4 धाम प्रसाद तैयार किया जा रहा है। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों में भी इसी अनाज से बने व्यंजन परोसे जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में सगंध एरोमेटिक पौधे, जड़ी बूटियों उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में उत्तराखंड की वन पंचायतें एवं ग्राम पंचायतें विशिष्ट भूमिका अदा कर रही हैं। स्वच्छ और हरित गांव थीम को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा उत्तराखंड पंचायतों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2017 प्रख्यापित की गई है। पर्याप्त जल युक्त गांव की थीम के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य स्वच्छ जल का एक महत्वपूर्ण भंडार है, किंतु पर्यावरणीय बदलाव का आसार राज्य के जल स्रोतों पर भी पड़ रहा है। ग्लेशियर सुकड़ रहे हैं और मानवीय गतिविधियों एवं अन्य विभिन्न कारणों से पारंपरिक जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। जल स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए पारंपरिक रूप से
चाल खाल बनाकर पानी को संग्रहित किए जाने की आवश्यकता है। जंगलों में भी वर्षा जल संग्रहण के लिए चाल खाल बनाए जाने की आवश्यकता है, जो न सिर्फ जंगल में नमी बनाए रखने में मददगार होंगे वरन मनुष्यों एवं जानवरों के पीने के पानी की कमी को भी पूरा करेंगे। जल स्रोतों के प्रति उत्तराखंड लोगों का पारंपरिक रूप से लगाव रहा है। वधू द्वारा किए जाने वाला धारा पूजन जल स्रोतों के प्रति श्रद्धा और जल की महत्ता को दर्शाता है। राज्य में जल शक्ति अभियान कैच द रेन का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मानसून आने के पूर्व पंचायतों में वर्षा जल संरक्षण एवं जल संचयन के अवसंरचनाएं निर्मित की जा रही हैं, जिससे पेयजल, कृषि एवं अन्य विधि कार्यों हेतु पानी की पर्याप्त उपलब्धता रहे। उक्त सभी कार्य पंचायती राज संस्थाओं के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। पंचायतों के नेतृत्व में प्रदेश में निर्धारित 975 अमृत सरोवरों के सापेक्ष 1102 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। ये अमृत सरोवर जहां एक ओर गांवों में जल की पर्याप्तता सुनिश्चित करते हैं, वहां दूसरी ओर ग्रामीण प्रदेश में हरित बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इन अमृत सरोवरों से चारों ओर और अन्य स्थानों में नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एवं भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों की प्रयुक्त की जाने वाली इमारती लकड़ी के पौधे रोपित जाने से यहाँ इमारती लकड़ी के आयात पर भी निर्भरता हमारी कम होगी। वहीं दूसरी ओर पर्यटन के बढ़ाने से राज्य की आर्थिकी को भी बल मिलेगा। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून से ग्राम पंचायतों एवं वन पंचायतों को इस दिशा में तकनीकी समर्थन प्रदान किए जाने हेतु चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण की समृद्ध लोक परंपरा रही है, जिसमें चपको आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, मैथी आंदोलन एवं हरेला फूलदोई जैसे लोक पूर्व पर्व मनाए जाते हैं। इन पर्वों में पंचायतों के माध्यम से विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं। प्रवासी नागरिकों को पारंपरिक इगास पर्व पर ग्राम पंचायत द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, जिससे उनका जुड़ाव अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति बना रहे। सुशासन युक्त गांव प्राप्ति की दिशा में राज्य में पंचायतों द्वारा नागरिकों को लगभग 42 आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से प्रदान किए जाने वाले के संदर्भ में योगदान दिया जा रहा है। इसमें से कई सेवाएं राज्य में सेवा के अधिकार अधिनियम में भी अधिसूचित हैं। और मैं ये गर्व से कहना चाहूंगा कि अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अधिकांश पंचायतें निर्धारित समय में उक्त सेवाएं प्रदान करने में सफल रही हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा नीति आयोग से सहयोग से उत्तराखंड सशक्त उत्तराखंड कॉन्क्लेव में विभिन्न विभागों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के संदर्भ में विस्तृत रोड मैप बनाए जाने में सहमति हुई है। इन कॉन्क्लेव के आयोजनों में राज्य के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की समावेशी विकास की सोच स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है। इसमें कन्वर्जेंस, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड नेटवर्किंग मॉडल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अंतरविभागीय विभागदारी की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। हिमालय राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि हिमालय राज्यों में ग्राम पंचायतों की भौगोलिक प्रदृश्य जटिल परिस्थितियों की चुनौतियों को दृष्टिगत आगामी वर्ष से हिमालय राज्यों के हेतु पुरस्कार में पृथक श्रेणी के संबंध में विचार करने का कष्ट करें। उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री के रूप में मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आजादी के अमृत महोत्सव में कार्यक्रमों की श्रृंखला के रूप में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह में आयोजित पंचायतों को प्रोत्साहन संबंधी राष्ट्र सम्मेलन में होने वाले चर्चा एवं मंथन से निकलने वाले अमृत को उत्तराखंड सरकार पूर्ण रूप से अपने पंचायतों तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहेगी। अंत में मैं पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को इस प्रकार के राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस सभागार से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।